फर्स्ट अप्रोच ही हो जाएगी दैट इज ओ ऑफ एन पावर फोर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ वन ठीक है तो ये तो पहली अप्रोच हो गई और इसको कोड करने की जरूरत नहीं है जो इंपॉर्टेंट है बस कोड करेंगे दूसरा क्या है कि हमने क्या कर रहे थे हम सारे वैल्यूज को मैट्रिक्स वन में इंटरेट कर रहे थे और सिमिलरली फिर हर एक वैल्यू के लिए हर बार मैट्रिक्स टू को इट्रेड कर रहे थे राइट right? दूसरा वैल्यू क्या कर है सकते हैं कि दूसरे तरीके में कि मैट्रिक्स टू को आप सेट में डाल लो राइट right? एक सेट बना लो एन क्रॉस एन का ठीक है साइज का और सारे वैल्यूज इसमें पुट कर दो ठीक है उसके बाद क्या होगा कि हम हर एक वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ से इसका एक्स माइनस टारगेट निकालेंगे जैसे वन है राइट तो मेरे को कौन सा पेयर चाहिए होगा ट्वेंटी वन माइनस वन सिमिलरली फाइव के लिए मेरे को कौन सा पेयर चाहिए होगा ट्वेंटी वन माइनस फाइव राइट इसकी जो भी वैल्यूज आती है ट्वेंटी ट्वेंटी वन माइनस फाइव या सिक्सटीन राइट इन वैल्यूज़ को हम इस चेक में कर, चेक कर लेंगे डॉट कंटेन मेथड से और ये हो जाएगा हमारा ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करने का राइट तो हम हमने क्या किया हमने ओ ऑफ एन स्क्वायर मैं मैट्रिक्स वन में इटरेट किया राइट right? और हर बार कंटेंस चेक करते गए तो सारी सारे वैल्यूज के लिए ओ ऑफ वन लगा मैं तो एन स्क्वायर वुड बी फॉर द ट्रेवल्सर ऑफ़ द मैट्रिक्स मैट्रिक्स वन और एन स्क्वायर हमने एक स्पेस यूज किया दैट इज टू पुट ईच एंड एवरी एंट्री ऑफ मैट्रिक्स टू इन अ सेट ठीक है तो ये तो हो गया सेकेंड मेथड यार थर्ड मैथड पर बात है अब जो एक्चुअल गिवन कंडीशन दे रखी है कि स्ट्रिक्टली असेंडिंग ऑर्डर है ईच रो सॉर्टेड है इसको हम थोड़ा यूज करते हैं यार राइट right? हम यहाँ पे क्या करेंगे अगेन वही सर्च इन रो वाइज एंड मैट्रिक्स अगर वो आपने किया है क्वेश्चन तो उसमें भी ऐसे ही होता है राइट ठीक है तो हम यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट वैल्यू से शुरू करेंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे और जैसे ही हमारा आ, रो खत्म हो जाए तो सेकेंड रो पे चले जाएंगे ठीक है सिमिलरली इन द सेकेंड मैट्रिक्स हम सबसे हाइएस्ट वैल्यू शुरू करेंगे और लेफ्ट की तरफ राइट लेफ्ट की तरफ ट्राइवर्स करेंगे राइट ऐसा क्यों कर रहे हैं यार क्योंकि देखो हमें क्या अगर एक और क्वेश्चन है टू पेयर सम जो हैश सेट से सॉल्व होता है राइट बेसिकली हम टू पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं यार एक एक पॉइंटर को सबसे हाई पर रख रहे हैं और दूसरे पॉइंटर को सबसे लो पर रख रहे हैं और फिर देख लेंगे कि अगर सम बड़ा है राइट तो फिर हम क्या करेंगे कि जो सम अभी बड़ा है अपने गिवन टारगेट से तो सम को छोटा करना है करेक्ट और हमारा जो हाई पॉइंटर है वही ग्रेटर 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 वैल्यू दे रहा है तो हम उसको डिक्रीज करते चले जाएंगे ये इसका कंट्यूशन है बट एक बार ड्राइवन देखते हैं आपको तुरंत सब समझ में आने लग जाएगा तो ट्वेंटी एंड वन तो ये दोनों प्लस करके ट्वेंटी वन मिलता है यार तो सबसे पहले तो हमारा वन को ट्वेंटी वन एक आंसर हो गया अब इन वैल्यूज की जरूरत नहीं है अब दूसरे वैल्यूज के लिए इटरेट कर जाओ तो अब हमारा पॉइंटर कहां आ जाएगा फाइव पे और ये आ जाएगा सिक्सटीन पे करेक्ट यहाँ पे आ जाएगा अब सिक्सटीन प्लस फाइव अगेन ट्वेंटी वन है तो दिस इज वन ऑफ माई ऑल्सो पॉसिबल आंसर अगेन इन वैल्यूज को छोड़ो और फिर आगे तरफ बढ़ जाओ तो हम सिक्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे थर्टीन पे आ जाएंगे थर्टीन प्लस सिक्स वट इज द वैल्यू इट इज़ नाइनटीन राइट नो नाइनटीन इज लेस देन माई गिवन टारगेट मतलब हमें अपने सम को इंक्रीज करना होगा अभी हमारा करेंट सम नाइनटीन है टारगेट हमें ट्वेंटी वन था तो हमारा जो करेंट सम है वो अपने गिवन टारगेट से छोटा है मतलब अपने सम को इंक्रीज़ करो राइट right? तो इंक्रीज देखो किस डायरेक्शन में होगा क्या मैं थर्टीन से ट्वेल्व की तरफ चला जाऊँ नहीं ये तो और और सम घट जाएगा सिक्स प्लस ट्वेल्व क्या मैं सिक्स से आगे बढ़ जाऊँ एट की तरफ एट प्लस थर्टीन हाँ सम बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल पॉसिबल आंसर यहीं से मिलेगा कि अगर इफ़ माई करंट If my current is less than my x, then move from your uh, lower side. या yeah, फिर matrix matrix वन में move करना है हमें matrix वन में आगे की तरफ move करना है तो हम आ जाएंगे एट पे सिक्स से हम आ गए एट और थर्टीन कम्पेयर होगा 30, plus प्लस is nothing but बट what it is 21 right? तो so अगेन एक पोटेंशियल आंसर है हमारे पास और एट का हमारा थर्टी वन हमारे आंसर होगा करेक्ट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हुँ. थर्टीन आप देख सकते हो हमें ये मिल चुका है वन को ट्वेंटी मिल चुका है फाइव सिक्सटीन मिल चुका है एट थर्टी मिल चुका है ठीक है अब ये दोनों अगेन से आंसर हैं तो दोनों दोनों ही तरफ से आगे बढ़ जाओ राइट right? क्योंकि उनका काम अब हो चुका है सो so, हम टेन 10 पे 10 पे आ जाएंगे यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं हम टेन पे आ जाएंगे और ये थर्टीन से पीछे की तरफ जा रहे थे तो ट्वेल्थ पे आ जाएंगे ट्वेल्थ प्लस टेन इज नथिंग बट ट्वेंटी टू नाउ माई करेंट सम्वेंटी टू विच इज ग्रेटर देन माई टारगेट मेरे को अपने सम को छोटा करना है तो अगेन जो सबसे बड़ा नंबर है अब देखो किस तरफ मूव करें मैट्रिक्स वन में आगे तरफ मूव करें या मैट्रिक्स टू पीछे की तरफ अगर मैट्रिक्स वन में आगे तरफ मूव करोगे तो टेन के बाद इलेवन आता है राइट इलेवन प्लस ट्वेल्व विल डेफिनेटली ग्रेटर देन योर प्रीवियस सम हमें तो सम को छोटा करना है भी राइट right? तो हम ट्वेल्व से टेन पे आएंगे और आप देख सकते हो कि अब हमारा करंट सम क्या हो जाएगा टेन प्लस टेन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन नॉट ट्वेंटी इज लेसर देन माई टारगेट अब टारगेट को बड़ा करना है यार मत सॉरी अपने करंट सम को बड़ा करना है तो डेफिनेटली बड़े नंबर्स की तरफ मूव करो तो टेन से इलेवन की तरफ मूव कर जाएंगे नाउ इलेवन एंड टेन इलेवन एंड टेन गिवस मी ट्वेंटी दिस इज अगेन वन ऑफ माई पॉसिबल आंसर और जहां पे भी मैं आंसर मिल रहा है वी विल लीव ऑल द एंट्रीज और दोनों साइड से मूव करेंगे यार तो नेक्स्ट आइड्रेशन मेरा कहाँ से शुरू होगा हम नाइन पे आ चुके हैं और फिफ्टीन पे आ चुके हैं करेक्ट फिफ्टीन प्लस नाइन इज वॉट इट इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर नाउ दिस इज ग्रेटर देन माई टारगेट डेफिनेटली अपने सम को छोटा करना है राइट right? तो हम नाइन से जाएंगे सेवन पे नाउ फिफ्टीन प्लस सेवन इज नथिंग बट ट्वेंटी टू विच इज अगेन ग्रेटर देन माई टारगेट हम अगेन इसको छोटा करेंगे सेवन से जाएंगे हम फोर पे फिफ्टीन प्लस फोर इज़ नाइनटीन विच इज़ लेसर देन माई टारगेट तो मैं अपने सम को बड़ा करना है तो डेफिनेटली फिफ्टीन से सिक्सटीन पे जाएंगे सिक्सटीन प्लस फोर विल गिव यू ट्वेंटी ट्वेंटी इज अगेन लेसर देन योर टारगेट तो अपने टारगेट को अपने करंट सम को फिर से बड़ा करना है तो सिक्सटीन से 18 पे जाएंगे एटीन प्लस फोर इज नथिंग बट ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इज ग्रेटर देन योर टारगेट अपने छोटा करना है तो फोर से टू पे आएंगे एटीन प्लस टू इज ट्वेंटी नाउ योर ट्वेंटी इज वॉट ट्वेंटी इज वॉट लेसर देन योर टारगेट तो अपने से हमको बड़ा करना है बट अब इसके आगे देखोगे यार कि अगला रो नहीं है सारी वैल्यूज खत्म हो चुकी है राइट तो हमारे पास एक लूप होगा जो ये इंश्योर करेगा कि अगर वैल्यूज खत्म हो गए तो वहां पे अपना हाइट्रेशन स्टॉप कर दो एंड दिस इज योर पॉसिबल आंसर इसके लिए हम में एक मेंटेन कर लेंगे करेक्ट जो भी जो भी मैंने बताया यार आ, यही है इसका ड्राइन यही है इसका सल्यूशन आप प्लीज ट्राई करो इसको खुद से कोड करेंगे प्लीज ट्राई योल गिव गिव सम टाइम एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो अगैन ठीक है तो ये रहा एग्जैक्ट कोड यार इसका मैं आपको तुरंत से एक ड्राइवन दे देता हूँ तो हमने जब यहाँ से शुरू किया था मैट्रिक्स वन के फर्स्ट पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो का जीरो तो हमने इसको आर वन और सी वन से डोनेट किया है सिमिलरली जो लेफ्ट बॉटम है हमारे सेकंड मैट्रिक्स का इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन माइनस वन एंड एन माइनस वन तो आर टू सी टू से डिनोट किया हमने हमने काउंट बनाया है और एक लूप है पे लूप पैसे किसे लिख दिया है? कि देखो हम क्या कर रहे थे जब तक हमारे एलिमेंट्स खत्म ना हो जाए और हम ट्रेवल्स किस चीज को कर रहे हैं हम एलिमेंट्स कैसे मतलब फर्स्ट रो से सेकंड रो पे आ रहे हैं सेकंड से थर्ड रो पे जा रहे हैं राइट right? तो अगर हमने आपको इसको आर वन माना है तो आर वन शुड बी डेफिनेटली लेस देन एन राइट सिमिलरली हमने यहाँ पे आर टू माना है तो हम क्या लास्ट रो से सेकंड लास्ट जा रहे हैं फिर सिमिलरली ऊपर तक जा रहे हैं तो आर टू जो है शुड बी इक्वल टू जीरो सो दैट इज वी हैव रिटन दिस लूप फिर हमने एक सम वेरिएबल बनाया टू कीप द ट्रैक ऑफ आर पेयर सम हम चेक कर रहे हैं कि अगर सम इक्वल्स टू एक्स है राइट right? तो हम क्या कर रहे थे जैसे ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी हम दोनों ही पॉइंटर्स को मूव कर दे रहे थे राइट right? तो अगर ये सीवन है तो सीवन प्लस प्लस और सी टू माइनस माइनस ठीक है अगर सम जो है वो लेस देन एक्स था मतलब हमें अपने सम को बिगर बनाना है अगर सम को बिगर बनाना है तो जो असेंडिंग सॉर्टर है जैसे यहाँ पे था हमारा डेफिनेटली जो हमारा लो पॉइंटर उसको मूव करें क्योंकि पूरी चीज सॉर्टेड है करेक्ट तो लो पॉइंटर हमारे कहा था सीवन पे था सीवन को हमने मूव किया अगर सम इन द वाइस वर्सा अगर सम बड़ा है तो हम सी टू को

राइट right? वही सिमिलरली हमने सेम चीज फॉर कॉलम टू किया टू आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा ये हमारा है कोड वर्क थ्रू एंड एट लास्ट जस्ट रिटर्न द काउंट सो दैर इज इट लेट इज सी द कोड इन एक्शन एज वेल वट वुड बी द टाइम एंडी फॉर दिस कोड ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं हम दोनों मैट्रिक्स में एक साथ ट्रेवल्स कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं राइट तो ओ ऑफ एन स्क्वायर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया बट ऑफ यूज जस्ट टू पॉइंट राइट सो ओ ऑफ एन वुड बी योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कंस्ट्रेंट एनालिसिस भी कर लेते हैं एक बार कंस्ट्रेंट क्या है टेन पावर फाइव राइट नहीं टेन पावर टेन पावर फाइव तो मैट्रिक्स की वैल्यू की रेंज है एन है हंड्रेड राइट सो हंड्रेड इंटू हंड्रेड विल गिव यू टेन पावर फोर विच इज डेफिनेटली लेस देन टेन पावर एट तो ये सोल्यूशन वर्क कर दिया और अगर ऐसा कंस्टेंट है तो डेफिनेटली ये सोल्यूशन भी वर्क कर जाना चाहिए और ये भी सोल्यूशन वर्क कर जाना चाहिए अगर आप हंड्रेड को पावर फोर करोगे तो टेन पावर एट हिट होता है राइट तो लेस देन इक्वल्स टू कोड करना होता है बट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बाउंड है तो हो सकता है ये सोल्यूशन चल भी जाए और ना भी चले ये भी पॉसिबिलिटी है राइट ठीक है बट सेकेंड और थर्ड सोल्यूशन दोनों वर्क करेगा एंड Let us meet again in the next video or video solution. Everything you have liked it and you're able to get help, then do like, share, and subscribe. Till then, let us meet again in the same video for tomorrow. Okay then, bye bye.